थाना क्षेत्र में डेनवी रोड स्थित भूमाफियाओं के द्वारा घर को जेसीबी से तोड़ने और घर में आग लगाने की घटना पर आज प्रभारी एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताते चले कि 10 तारीख के रात में डेनवी रोड स्थित निकी झा के घर पर 40 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जेसीबी लेकर के घर में घुसकर जबरन घर तोड़ने और आग लगाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर के 11 तारीख को निकी झा के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जिसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा है और 40 अज्ञात लोगों का नाम दिया गया था, जिसके बाद से अज्ञात को पकड़ने में टेक्निकल टीम जो साइंटिफिक तरीके से लगी थी, जिसमें कुल 13 लोगों की पहचान हुई है और आज 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य आइडेंटिफाई है इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो मुख्य अभियुक्त है शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है, अविलंब उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। गिरफ्तार सभी अभियुक्त दरभंगा के हैं। आगजनी की जो बात है उसमें सीसीटीवी निकाला है और सीसीटीवी देखने से अनुसंधान का बिंदु बन गया है और उसमें जो चीजें दिख रही हैं वह सबके सामने में है, उसी के विश्लेषण फॉरेंसिक तरीके से की जाएगी, उसके बाद उसमें की क्या सत्यता है, उसके बाद उसी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद दरभंगा प्रभारी एसपी ने कहा कि कहीं न कहीं प्रथम दृष्टि से टाउन थाना की लापरवाही दिखती है, जिसको लेकर के हम लोग भी जांच करेंगे, जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी विस्तार से सुने के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना पर दरभंगा प्रभारी एसपी ने आगे क्या कुछ कहा। दरभंगा टाउन थाना क्षेत्र में दिनांक 10 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे संजीव झा निकी झा उनके मकान पे कुछ अपराधकर्मी लोग घुस गए थे और वो बुलडोजर से उनके घर को तोड़ने, उनका मेन गेट वगैरह तोड़ दिया था और उसके बाद आगजनी की भी घटना वहाँ पर हुई। इस सूचना पर वहाँ तत्काल पुलिस गई और जेसीबी को उस दिन घटना के दिन ही जब्त करके ले आई और उसके बाद जो जख्मी थे 4 जने उनको इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया, उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में पीएमसीएच रेफर कर दिए गए। इसकी प्राथमिकी 11 तारीख को निकी झा के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी हुई है, उसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और बाकी 40 अज्ञात लोग हैं। उन 40 अज्ञात लोगों का हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल टीम है और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हम लोगों ने पहचान किया और करीब तकरीबन 13 लोगों की पहचान अभी तक हुई है, उसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और अविलंब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। गिरफ्तार लोग प्रॉपर दरभंगा के हैं या बाहर के हैं? नहीं, सभी दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा जो घटना घटी थी उसमें आग लगाने की बात आई थी, उसमें कितनी सच्चाई, क्या हुआ था? देखिए, उसका सीसीटीवी हम लोगों ने निकाला है और सीसीटीवी देखने से वो एक अनुसंधान का एक बिंदु बन गया है और उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबके सामने हैं और उस पर विश्लेषण हम लोग फॉरेंसिक तरीके से भी कराएंगे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्या सत्यता है और उसके बाद उसी हिसाब से साक्ष्य के तौर पर उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगता है, किसने आग लगाया? ये अनुसंधान का विषय है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबके सामने है। जो पीड़िता है उनके एक बच्चे भी उनके कोख में मरे हैं, क्या 302 या दूसरी धाराओं में भी? वो चूंकि जब प्रेग्नेंट रहती हैं और उसका डेथ होता है तो उसके लिए अलग एक सेक्शन बने हुए हैं आईपीसी में, उसके तहत कार्रवाई। लेकिन लगातार पीड़िता जो है आरोप पुलिस पर लगा रही है, यहाँ तक कि आपका नाम भी लिया जा रहा है कि मिलने आए थे लेकिन मिलने नहीं मिला गया, वही थाना अध्यक्ष की भी भूमिका संदिग्ध। मैंने 10 तारीख को इसी कार्यालय से निकलने के समय उनसे मेरी मुलाकात हुई है दोनों से और मैंने मुलाकात के बाद संबंधित जो निर्देश देने हैं वो टाउन थाना को मैंने दिया भी है। सर, ये लगता है कि जिस तरह से 9 को घटना हुई पुनरावृत्ति 10 को की गई, अगर पुलिस अलर्ट होती शायद घटना को टाला जा सकता था, नेग्लिजेंसी किसकी तरफ से है? इसमें जो बातें हो रही हैं कि 9 तारीख को लोग गए थे और फिर ये 10 तारीख को घटना घटी, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं टाउन थाना के स्तर से लापरवाही प्रथम दृष्टया तो दिखती है। हम लोग इससे संबंधित जो है कार्रवाई भी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग स्थित SDPO से लेने के बाद जो ही इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी। घटना के वक्त भी पुलिस को लगातार संपर्क में परिवार बता रहा है कि हम फोन पे थे लेकिन पुलिस कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, क्या कहेंगे? घटना की सूचना मिलने पे जो लोकल गश्ती पदाधिकारी थे वो त्वरित वहाँ पे तुरंत पहुँचे थे और पहुँचने के कारण ही वहाँ पे वो जेसीबी आदि वगैरह जब्त हुआ और जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया।
एक और आरोप लगाया गया है कि जो जेसीबी का ड्राइवर है वो उसे लोगों ने पकड़ लिया था लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया, कितनी सच्चाई है? इसकी भी जांच कराई जाएगी, ये बात प्रकाश में आ रही है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा और इसमें जो दोषी होंगे उनकी भी कार्रवाई होगी। एक सवाल और उठता है सर कि जिस समय घटना का वारदात का समय है ठीक उसी वक्त बिजली का गुल हो जाना होता है बताया जा रहा है और 10 मिनट बाद बिजली फिर आ जाती है, तो क्या लगता है कि ये एक संयोग है या फिर बिजली विभाग से भी मिली भगत कहीं ना कहीं लोगों को जानबूझ कर अंधेरा किया गया घटना को अंजाम देने के लिए? इसकी जानकारी अभी आपके माध्यम से ही मुझे मिली है और इसमें कहां तक क्या सत्यता है, महज संयोग है या सुनियोजित तरीके से है, इस बिंदु को हम लोग देखेंगे अनुसंधान के क्रम में। जो घायल है सर उसकी क्या स्थिति है, कितनी क्रिटिकल है? अभी PMCH में इलाजरत हैं और डॉक्टर के हिसाब से अभी तक तो ठीक है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोस्ट आरोपी है प्रेम जी वो कहाँ है, उसके विषय में पुलिस क्या बताएगी, वो उसका बैकग्राउंड क्या है? मैं अभी बता नहीं सकता, इतना बता सकता हूँ कि जो एक नामजद अभियुक्त है शिव कुमार झा उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और चूंकि अनुसंधान का पार्ट है इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ पर है, लेकिन गिरफ्तारी जरूरी होगी। ये जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है? अभी तक जो हम लोगों के पास है जो थाने से रिकॉर्ड के हिसाब से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं देखा गया उनका और हम लोग पता करवा रहे हैं, अन्य थानों में यदि कहीं होगी दूसरे जिला में भी होगी तो पता कर लेंगे, लेकिन अभी तक एज ऑन रिकॉर्ड नहीं है और जैसा बताया गया कि वो ठेकेदारी और इन सब आदि का काम करते हैं। ये सर आप मान रहे हैं कि अगर पुलिस अलर्ट होती तो घटना टाला जा सकता था? देखिए ये तो एक विषय है जिस पर कि गहन समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कब तक उम्मीद है जो है वहाँ फरार आरोपी वो कब तक पुलिस के हाथ चला जाए? हम लोग पुलिस पूर्णतः सक्रिय है और किसी भी हाल में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें और प्रत्येक की गिरफ्तारी होगी। घटना के 3-4 दिन सर हो गए हैं, क्या पुलिस नोटिस की है उसको उपस्थित होने के लिए? पुलिस पकड़ने के लिए और उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगरटोली चौराहा, पटना। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।